इनको भी उसी में क्या नहीं है सर खरीदारी का नहीं है खीरी बाग वाला क्या मामला सर कुछ चलेगा चले जाओ ड्राइवर उतर के का नहीं जाएगा कोई नहीं जाएगा ड्राइवर कोई नहीं नगर पालिका से चला और इधर देखिए जी मैं साहब यहाँ पे गाय घाट की तरफ इधर देख लीजिए एक हाई मास्क लग रहा तो वहाँ पर लेबर काम कर रहे थे तो मैं मौके पे देखने गया था चेयरमैन साहब वहाँ पर हाई मास्क लग रहा जी वहाँ से होकर के क्रॉसिंग होकर के बदाम में अपनी दुकान की तरफ गया दुकान हमारी बंद हो चुकी थी उसके बाद जब मैं घर से तो जावेद मेंबर ने कहा एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा बात करनी है मैं उतर गया बात करने के लिए इसी बीच ये मकसूद और आया और उसके आदमी आए करीब 10 की संख्या में थे और चाकू लिए थे कट्टा लिए थे कहे मार दो साला बचना नहीं चाहिए और उसके बाद हमला कर दिए मुझको लोग बचा के खींच के लेके भागे किसी तरह से और उसने पंखा से चलाया पंखा मेरे पीठ पे चोट लगी और मुझे किसी तरह लोगों ने खींच खाँच करके बचाया मैं दुकानों में भागता रहा इधर भागता रहा उधर भागता रहा और उस कटरे में भाग ये दौड़ा करके भागते रहे और मेरे आदमियों ने कई लोगों को बड़ी गंभीर चोटें आई हैं सदर ये अपने को ताजियादार कमेटी का अध्यक्ष बताता है और ये गुंडा राय एकदम गुंडई पे आमादा है और ये पूरा एकदम आतंक फैलाया चेयरमैन साहब सदर चौक की घटना है सदर चौक की घटना वहाँ पुलिस नहीं थी उस मौके पर वहाँ पर पुलिस नहीं थी उस समय सदर चौक पे नहीं थी सदर चौक पर मैं वहाँ पर पिकेट पे नहीं बैठा था हाँ। न देखा कि वहाँ पुलिस है कि नहीं हाँ। मगर जब मैं भाग के धोबी अमली की तरफ भागा तो दो पुलिस वाले मोटरसाइकिल से आए उन्होंने एक्शन लिया और फौरन हमको कोई पुरानी रंजिश है नहीं मेरा कोई रंजिश नहीं मेरा क्या रंजिश हो सकती है बस ये है कि अवैध दुकान बना रहे थे हमने पुलिस से शिकायत किया था कि वो दुकान जो है पटरी पे बना रहा है वहाँ पर वो अवैध है सिर्फ हमने पुलिस को सूचना दिया था उसके अलावा न मैं गया रोकने न मैं ये करने गया मैंने सिर्फ पुलिस को सूचना दिया था कि वो अवैध बना रहा उसी बात पे अग्रेसिव था कि हमारे काम में क्यों बाधाई कर रहे हैं और क्यों हमारा काम रोक रहे हैं अभी आप कोतवाली में आए आपकी तरफ से तारीख दी गई मुकदमा दर्ज जाएगी अभी दी जाएगी तारीख लिखी जा रही है कितने की संख्या में लोग थे कितने की संख्या में करीब 10 की संख्या में थे क्या चाहते हैं मैं उनकी गिरफ्तारी की मांग करता हूँ और तुरंत गिरफ्तारी होना चाहिए और इस तरह का गुंडई जो कर रहे हैं जो आतंक फैलाए हुए हैं इनके खिलाफ अच्छा ताजियादार की कहीं ये आने वाले दिनों में मुहर्रम है और कहीं अपने आप को दिखाने की कोशिश नहीं है अब जो भी हो मगर ये आतंक का माहौल बनाए हुए है बहुत सा काम ये कर चुके हैं ये इस तरह का आतंक का काम कई कर चुके हैं मतलब ताजिया के नाम पे इस तरह के ताजिया की बात नहीं करता हूँ ताजिया का कोई मामला ही नहीं है ये तो दुकान का मामला है ये दुकान का मामला हमने पुलिस में कंप्लेन किया था उनको पता है कि पुलिस में हमने कंप्लेन किया इसी से कुछ नाराज होकर इसी से ये उसने ऐसा काम किया मैंने इसकी सूचना कप्तान साहब महोदय को भी दिया था एडिशनल एसपी साहब को भी दिया था सीओ साहब को भी दिया था तो दुकान अभी बन रही है क्या बनती चली गई मगर हम न कोई नगर पालिका का कोई आदमी गया नहीं मैं सिर्फ पुलिस से बताता रहा कि देखिए वो नगर पालिका की जमीन है नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा करके पहले गुमती रखा था गुमती के बाद धीरे धीरे उसको पूरा कंस्ट्रक्शन करने लगा क्या वो भू माफिया है क्या और भी जगह कब्जे और जगह जमीन का काम तो करता ही है बहुत जगह काम करता है लोग भी जमीन पे अतिक्रमण करके और कब्जा करके